मीटिंग का एक डेपुटेशन आया था उनकी एसोसिएशन का, तो उनसे डिटेल में बातचीत हुई है। उनको मैंने बताया कि एसोसिएशन जो है फीस के मुद्दे पे तो आगे आ रही है, लेकिन और जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर भी उनको खरा उतरना पड़ेगा। टीचर्स का प्रोविडेंट फंड उनको शुरू करना पड़ेगा, टीचर्स वेलफेयर फंड शुरू करना पड़ेगा, ताकि टीचर की बीमारी में टीचर्स की मदद की जा सके और फीस का स्ट्रक्चर वो ठीक से अपना रखें। अभी वो बोल रहे हैं कि जो फीस फिक्सेशन कमेटी उनकी रिपोर्ट नहीं आई, जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक उनको जो भी फीस लेनी है वो वाजिब फीस लेनी है, ताकि किसी को ये ना लगे कि बड़ा बोझ है। और बाकी उनके जो भी दिक्कतें हैं, वो डेवलपमेंट चार्जेस जाते हैं या एनुअल फीस जाते हैं, मैंने कहा लिखित में दीजिए। और आप खुद कैटेगराइज करिए स्कूल कि किस स्कूल को ए कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है या कम है, तो लिखित में आइए, हम बात करेंगे। जब तक नहीं होता तो हमने ऑर्डर किया हुआ है, सेक्शन 144 लगाई हुई है, वो सख्ती से नाफिस रहेगी। पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक से मेरी ये प्रार्थना है कि जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों को दिक्कत है, वो शिकायत करें। बिना शिकायत के तो हम किसी के खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे? तो जनरल पब्लिक से मेरी यही प्रार्थना है, यही अपील है कि वो आए और शिकायत करें। अगर किसी के खिलाफ उनको शिकायत है कि कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ज़्यादा फीस ली जा रही है स्कूलों के अंदर, तो आप लिखित में लिख दें। लोग जो है हेजिटेशन करते हैं या डरते हैं स्कूल वालों से, अगर उन बच्चों को निकालना दिया जाए, तो उस प्रकार की अगर उनके मानने को शंका है, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो स्कूल के बच्चा खुद जो है शिकायत कर सकते हैं, तो उनको पूरा संरक्षण दिया जाएगा, उनकी पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनके नाम पत्र रखे जाएंगे। दूसरा जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, ये उनका फर्ज है। और तीसरा जो है सिविल सोसाइटी के अंदर जो सोशल लोग हैं, अच्छे सरकर्दा लोग हैं, ईमानदार लोग सोसाइटी के अंदर हैं, वो भी आगे शिकायत कर सकते हैं। सर, लीगल मेट्रोलॉजी की टीम भी बनाई है आपने? हाँ, लीगल मेट्रोलॉजी की टीम को मैंने ये निर्देश दिया कि वो मार्केट जाकर चेक करें कि कापियों के रेट ठीक हैं, जो वर्दियाँ बिक रही हैं उनके रेट ठीक हैं। और ये भी मैंने बोला है कि ये भी देखें कि ज़बरदस्ती बच्चों को सामान ना बेचा जाए, जिसको जितनी ज़रूरत है वो दो कापी लेना चाहता है, चार लेना चाहता है, ये यानी कि बंडल बना के बोल दिया इतने हज़ार रुपये दे दो, वो गलत है। टीम गठित की गई, देखिए कुछ खामियां पाई गई हैं, इसीलिए हमने आज इनको बुलाया था, वो खामियां दिखाई हैं, इनको सुधार कर लो। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो ये अगर खुद ही पढ़े लिखे लोग हैं, अगर अपनी खामियां सुधार लेंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।